आज आप लोगों का परसेंटेज का टॉपिक है। परसेंटेज कल आप लोगों ने कंप्लीट कर दी थी, लेकिन अभी ये जो परसेंटेज आप पढ़ने लगे, ये आप लोगों की प्रॉपर क्लास परसेंटेज है। ये इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के परसेंटेज से ही लीक होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर थोड़ा बहुत आपको ये डिफरेंट आपको फील होगा कि ये क्वेश्चन उससे डिफरेंट है, लेकिन आप लोगों का जो कंसेप्ट है परसेंटेज का वो आप लोगों का सेम ही रहेगा। हम लोग इसको स्टार्ट लेते हैं। पेज नंबर है आप लोगों का 14। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक एक्स वाई जेड कंपनी स्टॉक ड्रॉप फ्रॉम 25 रुपी टू 21 रुपी, बाय व्हाट परसेंट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीजेस। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो आप लोगों को प्रॉफिट लॉस के बारे में कह रहा है कि पहले फॉर एग्जाम्पल एक एक्स वाई जेड कंपनी है, उसका जो स्टॉक था, उसका जो शेयर था वो 25 रुपी का था, वो गिर के कितने पे आ गए, 21 रुपी पे आ गए। तो ये कहते हैं कि उसको कितने परसेंट उसको लॉस हुआ, कितने परसेंट को डिक्रीज हुए। तो एक तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है। देखें जो प्रॉफिट होता है सेल माइनस परचेज या सेल माइनस कॉस्ट। सेल माइनस कॉस्ट पे कितनी सेल हुई है, कितनी उसकी कॉस्ट थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक बाइक लिया है 40,000 का, और आगे अगर मैं उसको सेल कर देता हूँ 50,000 का, देन मुझे प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट सेल माइनस कॉस्ट, सेल होगी 50,000, 40,000 की कॉस्ट है, इसका मतलब 10,000 मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसी तरह अगर लॉस हो गई कि भाई लॉस कितना हुआ, बाइक फॉर दम 40 की मैंने खरीदी थी, सेल फॉर दम मैंने कर दी आगे 20,000 की, 25,000 की, आप कह रहे 20,000 की, तो कितना मुझे लॉस हुआ। लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट माइनस सेल। ये दोनों आपस में उलट हैं। कॉस्ट इसकी 40,000 थी, सेल है इसकी 20,000 की, तो 20,000 इसको लॉस हुए। ये तो बिल्कुल सिंपल है कि लॉस कितना होता है, प्रॉफिट कितना होता है। अगर वो परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें फिर कहते हो, फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, इन दोनों के लिए आप लोगों ने फार्मूला एक ही याद रखना है। ठीक है, वैसे हम लोग फार्मूला के चक्कर में हम लोग पढ़ जाएंगे कि प्रॉफिट के लिए लेता है, लॉस के लिए लेता है, लेकिन आप लोगों ने एक ही आप लोगों ने चीज याद रखनी है। थोड़ा सा स्लाइटली से उसमें डिफरेंस होगा वो आप देख ले। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला जी क्या होगा, पर लार्ज माइनस स्मॉल डिवाइडेड स्मॉल इंटू 100। ठीक है, इसी तरह लॉस परसेंट का जो फार्मूला वो भी इसी तरह होगा, लार्ज माइनस स्मॉल डिवाइडेड लार्ज इंटू 100। बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि प्रॉफिट में नीचे स्मॉल वैल्यू आएगी, लॉस में नीचे लार्ज वैल्यू आएगी। हियर एल स्टैंड फॉर लार्ज वैल्यू एंड एस स्टैंड फॉर स्मॉल वैल्यू। ठीक है जी, अब ये आप लोगों के वो वाले क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर सिंपली सिंपली वो बताएगा कि भाई इतने की उसने चीज ली है, इतने की आगे वो बेच रहा है, इससे बताएं इसपे प्रॉफिट कितना लगेगा या इसमें इसका लॉस परसेंट कितना होगा। ये सिंपली उन क्वेश्चन के लिए आपका फार्मूला है। इसके अलावा आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा उनको हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह पीछे हम लोगों ने परसेंटेज को सॉल्व किया। जैसे पढ़ने वाले आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 रुपए का एक शेयर था वो 21 रुपए पे आ गया, बताएं कितने परसेंट डिक्रीज। लाजमी बात है ओवर डिक्रीज हुए तो उसको लॉस हुए। ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला है लार्ज माइनस स्मॉल डिवाइडेड लार्ज इनटू 100। ठीक है जी, अब हम ये देखते हैं लार्ज वैल्यू कौन सी है। लार्ज वैल्यू 25, स्मॉल वैल्यू 21 डिवाइडेड लार्ज वैल्यू 25 इनटू 100। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का आप लोगों को फायदा क्या होगा। देखिए वैसे एक और फार्मूला भी होता है, अगर लॉस परसेंट अगर मैंने लेना है ना, लॉस परसेंट का फार्मूला होगा लॉस डिवाइडेड कॉस्ट इनटू 100। क्योंकि हमेशा चाहे आप लोग प्रॉफिट परसेंट लें चाहे आप लोग लॉस परसेंट लें, हमेशा प्रॉफिट या लॉस आपका कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। ठीक है,
तो वैसे तो आप लोगों का ये फार्मूला, ये भी आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन इस फार्मूले का एक फायदा ये है कि इसमें आपको प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करके खुद दे देगा। अब यहाँ पे देखे ना, 25 माइनस 21 4 जो लॉस आया है, ठीक है, यहाँ पे लॉस आया है। इस फार्मूले के अंदर आप लोगों को लॉस यहाँ पे आप लोगों को फिर 4 वैल्यू रिपोर्ट करनी पड़ेगी। 25 माइनस 21 ऑलरेडी आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी कैलकुलेट करके। यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो खुद खुद ये इसको मैनेज कर लेगा। 4 divided 25 into 100, 25 4 times 4 4 16, तो 16% उसको लॉस हुआ है। जब 25 से जब 21 पे आया स्टॉक, देन उसको 16% लॉस हुआ है। ठीक है जी, इसी क्वेश्चन को अगर मैं लॉजिकली अगर देखना चाहूँ ना, देखें लॉजिकली कहते हैं कि 25 रुपए का एक शेयर कितने पे आया, 21 रुपए पे आया। कितना कम हुआ, देखें 4 कम हुआ है। अगर 25 पे अगर 4 कम हुआ तो इसका मतलब 50 पे फिर कितना कम होगा, 8। 100 पे कितना कम होगा, 16। तो ये वही राइट आंसर है जो आप लोगों का 16% राइट आंसर है। ठीक है, आप इस तरह भी आप लॉजिकली इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 अभी आप लोगों को मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं एंड करवाऊंगा। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोगों को मैं एंड पे करूंगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर लेते हैं। वो कहता है कि 5 सेंट प्राइस है न्यूज़पेपर की, वो 5 सेंट से 15 सेंट पे चली गई है, बताएं कितने परसेंट उसमें इंक्रीज हुआ है। ये भी आप लोगों का सेम यही क्वेश्चन है कि पहले उसकी वैल्यू 5 थी, अब वो 15 पे चली गई, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट लार्ज माइनस स्मॉल डिवाइडेड स्मॉल इनटू 100। ठीक है जी, लार्ज वैल्यू उसमें कितनी है, 15 माइनस स्मॉल 5 डिवाइडेड स्मॉल 5 इनटू 100, आ जाएगा 10/5 × 100, 5 20 20 10 200। तो 200% उसके अंदर इंक्रीज हुआ, 200% उसको प्रॉफिट है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 से ना आप लोगों के उसी तरह क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जिस तरह पहले आप लोगों ने क्वेश्चन किए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द रेडियो दैट सोल्ड फॉर ₹70 ड्यूरिंग 20% ऑफ सेल। देखिए 20% ऑफ सेल का मतलब है 20% उसने डिस्काउंट दे दिया, 20% उसने छोड़ दिया। जो ओरिजिनल प्राइस है ना रेडियो की, वो क्या होगी जब उसको कितने पे बेचा गया, $70 पे, और $70 पे उसकी प्राइस कितने परसेंट थी, ये तो हम लोगों ने चेक करने की कितने परसेंट उसकी प्राइस थी। देखिए 20% उसने ऑफ कर दिया है, जब उसने 20% ऑफ किया इसका मतलब रेडियो को कितने परसेंट पे बेचा गया, 80% पे, क्योंकि इसको इस तरह आप लोगों ने लॉजिकली चेक करना है ना। देखे ना, 20% अगर उसने छोड़ दिया है इसका मतलब रेडियो अगर 100% अगर उसकी प्राइस हो तो रेडियो को 20% छोड़ दिया गया, 20% अगर छोड़ा है इसका मतलब उसको कितने पे बेचा गया, 80% है। रेडियो का अगर प्राइस मैं एक्सपोज कर लूँ, अगर उसकी रेडियो का प्राइस हो, इसको कितने परसेंट पे बेचा गया, 80% पे, 80% पे जब बेचा तो उसकी प्राइस कितनी थी, 70 रुपीज। तो यहाँ से आप लोग इसकी ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, x into 80, ये 1 0 1 0 से कैंसिल कर, x into 8 is equal to 70 into 10, 10 उधर ले जाएं, x into 8 is equal to 700, तो x is equal to 700 divided by 8 करें, x is equal to, ये कितना होता है, इसको चेक करें कितना होता है ये। छोड़ दिया गया है, जब सेल पे लगाया गया देन ये 70 का रोकू था। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस इसकी 87.5। आपने यहाँ से आपने चेक करना है ना कि 20% अगर छोड़ दिया, अगर 20% छोड़ा है ऐसा मतलब उसको कितने परसेंट पे बेचा गया, 80% पे। आइटम को जब 80% पे
तब उसकी प्राइस 70 बनी है, ठीक है। उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, इस प्रॉब्लम को चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दैट वाज बॉट फॉर ₹50 एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6%। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि 1150 उसकी कॉस्ट है, 1150 का लिया गया, उसको आगे 6% प्रॉफिट पे बेचा गया। 1150 का पहले 6% चेक करें, एक जीरो सा कैंसिल, 2 3 2 5 5 5 2 5 3। ये कितना बना, 69। इसका मतलब इस पे प्रॉफिट इस पे कितना लगेगा, 69। 6% इसका कितना बताया जी, 1150 पे वो लगा रहा है 6%, 1150 पे 6% बन रहा है 69। 69 आप 1150 में ऐड कर दें क्योंकि उसने 1150 पे 6% प्रॉफिट लेना। 1150 में जब आप 69 आप ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 9121। ये आप लोगों का जो राइट आंसर आ जाएगा 1219, सी ऑप्शन। आप इसकी चेक करेंगे, सी ऑप्शन आप लोगों की राइट होगी, ठीक है। इसको आप लोगों ने 6% जैसे जो प्रॉफिट लिया, 6% प्रॉफिट लेके आप इसके अंदर ऐड कर देंगे तो तब आपको पता चल जाएगा इतने की वो फरोख्त होगी, ठीक है जी। अगर आप इसको अगर डायरेक्ट अगर एक और मेथड से अगर करना चाहते हैं, 1150 का 106% ले लें, ये डायरेक्ट आपको 1219 देगा, ठीक है। शॉर्टकट मेथड आप लोगों को एक और मैं बता देता हूँ, क्योंकि 1150 के जो 100% प्राइस है ना, 1150 क्या है, 100% प्राइस है, वो कह रहे हैं 6% और प्रॉफिट के साथ फरोख करना चाहता है, 106% उसका आप चेक कर लें। ये जी 1010 का कैंसिल, 5 2 10 5, ये कितना बन रहा था, 23। अब ये 2 1 2 2 5 और 2 3, 53 और 23 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 9 3 5 15 3 2 6 2 5 10 9 1 2। ये देखें आंसर आपको वही आएगा 1 2 1 में, ठीक है। चाहे आप इसका 6% लेके उसमें ऐड कर दें, चाहे इसका डायरेक्ट आप 106% आप ले लें, 106% आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है जी। आंसर अच्छा जी, अब आप लोगों ने जी काम करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ये भी आप लोगों का सिंपल क्वेश्चन है। 120 का आपने 10% आपने प्रॉफिट लेके उसके अंदर आपने ऐड कर देना, ठीक है। 120 का 10% लेना है, उसी को आपने 120 के अंदर ऐड कर देना है, या सिंपल 120 का 110% ले लें, 110%, वो भी आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर आरएस 200 का जब सेल कर रहे हैं, शॉपकीपर लूजेस 20%, यानी कि 20% वो छोड़ देता है, वो 20% वो छोड़ रहा है, 20% छोड़ के वो 200 के बेच रहा है, यानी कि 200 पे कितने परसेंट प्रॉफिट प्राइस हुई, 80%। क्यों, 20% वो छोड़ के 200 का बेच रहा है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस फिर उसका 80% होगी 200, क्योंकि 20% तो उसने छोड़ दिया है, 80% अब चेक कर ले तो उसका 200 तो उसकी ओरिजिनल इसकी प्राइस कितनी बननी चाहिए, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जहां से हम इसे चेक कर लेते हैं, 0 कैंसिल, एक्स इंटू एट इज इक्वल टू 200 हो जाए 10, उधर जाके एक और 2000, एक्स इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है जी। 4 2 4 5 4 2 1 2 25, यानी कि 250 इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, 250 का 20% जब उसने छोड़ा है, देन उसने उसको 200 के बेचा है। आप सिंपली ये चेक कर लो, जैसे पहले आपको मैंने बताया कि 20% उसने छोड़ दिया, इसका मतलब उस आइटम की प्राइस 80% है, 80% पे 200 बन रही थी, ठीक है जी। नेक्स्ट भी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, 15% उसने छोड़ दिया, इसका मतलब आप उसका 85% आप उसका चेक कर लें। अली सोल्ड अ हाउस एट लॉस ऑफ 15% पर आर दिस, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस हाउस। अब ये देखिए, उसने 15% उसने लॉस पे उसने बेचा है, यानी कि ये कितना परसेंट है, 85% है,
टोटल हाउस का 85% जो प्राइस है वो कितने हैं, 3,82,500। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू आप जो फाइंड आउट करें, यानी कि उस हाउस की ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी वो आपको बता देगा, ठीक है नहीं? इसी तरह आप लोग बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 84 शॉपकीपर अर्न 12% प्रॉफिट। हाँ, अब यहाँ पे आप देखिए, अब वो 12% प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि जब 12% उसने जब प्रॉफिट लिया है तो तब उसने 84 का उसने बेचा है। इसका मतलब ओरिजिनल उसकी प्राइस कम होगी, ओरिजिनल उसकी प्राइस कम होगी, उसने 12% पे उसने उसको बेचा है तो तब जाके 84 का बेचा है, यानी कि उसने उसको 112% पे बेचा है तब जाके वो 84 का बिका है। देखा ना, जब वो 20% जब ऑफ करता है तो मैं क्या करता हूँ, 20% ऑफ का मतलब मैं उसको 100 में से 21 निकाल के 80% पे चेक करता हूँ। अब वो 12% वो प्रॉफिट ले रहा है, 12% प्रॉफिट मतलब वही वैल्यू जो मैं पर माइनस करता हूँ 100 के अंदर मैं फिर ऐड कर दूंगा। इसका 112% आप चेक करें, एक्स इज इक्वल टू 84 × 100 और 112 उधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी? आप इसको जी चेक करें कितना इसका आता है, 12 अगर 7 का अगर करूँ, 12 7 दर और 7 1 दर, 7 6 दर, 4 3 दर, 4 4 दर और 4 25 दर। तो इसकी ओरिजिनल उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 75, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू उसकी 75 थी। 75 में जब 12% जब प्रॉफिट ऐड किया गया तो तब वो 84 पे जा चुका है। ये बिलीव मी ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के बहुत लॉजिकल हैं, इनको अगर लॉजिकली लेके चलेंगे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है जी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जी तकरीबन तकरीबन मैं आपको मैं बता देता हूँ जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चन नंबर आप जरूर चेक करें, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 ये पीछे जो एक्सरसाइज का टेस्ट हुआ है इसमें ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज एंड टैक्सेशन को जो टेस्ट था ना उसके अंदर ये आया हुआ था क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आइटम 20% परचेज, 20% जो उस पे जब डिस्काउंट है तो तब वो है 480 की, 20% डिस्काउंट पे 480 की है, इसका मतलब 480 पे उसकी कितने परसेंट प्राइस है ये देख लें, 80%। 20% तो डिस्काउंट है, 20% तो उन्होंने छोड़ दी है, वो आइटम कितने परसेंट पे है, 80% पे है। एक्स का 80% जो है वो कितनी बन रही है, वो 480 प्राइस है, ठीक है जी? अब वो क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट विल बी द सेल प्राइस इफ समवन वांट्स टू सेल दिस आइटम एज 20% प्रॉफिट वैल्यू। अगर वो 20% डिस्काउंट वैल्यू पे इतनी हो तो बताएं वो 20% प्रॉफिट पे कितनी आएगी। 20% प्रॉफिट मैं तब निकाल सकूंगा जब मेरे पास इस एक्स की वैल्यू यानी कि इसकी कॉस्ट वैल्यू आएगी। यहां से अब मैं इसकी कॉस्ट वैल्यू निकालूंगा फिर उस पर 20% लेकर उसमें ऐड कर दूंगा। ये 0 कैंसिल, 8x इज इक्वल टू 480, 10 उधर जाएगा तो 00, x इज इक्वल टू 4800 डिवाइडेड बाई 8, x इज इक्वल टू 8648, 6000, यानी कि अब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, 600, ठीक है जी? कॉस्ट प्राइस जब उसकी जब 600 आ गई तो आपको कहते हैं कि अगर उसको 20% प्रॉफिट पे अगर बेचना चाहे कितने के बेचेगा, इसका 20% आप चेक कर लें, 600 का 20%, 00 00 का कैंसिल, यानी कि 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 600 पे 20% 120 प्रॉफिट बनता है। इसको 600 में ऐड कर दें, यानी कि 12% 20% प्रॉफिट के साथ आप उसको बेचेंगे 720 में, ठीक है? या तो 600 का 20% प्रॉफिट लेके ऐड कर दें या 600 का डायरेक्ट 120% ले लें, जैसे पिछले क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको बोल रहा था, क्योंकि 12% 20% प्रॉफिट है ना, यानी कि इसको आप 120 आप ले लें, आप 00 00 कैंसिल, 120 की जब 6 से डिडक्ट करोगे तो वो भी 720 ही बनेगा। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी अच्छी हो जाए, पेपर्स में आप लोगों को ये शॉर्टकट बड़े काम आएंगे, ठीक है? तब इंशाल्लाह ताला आप दुआएं देंगे कि सर ने जो शॉर्टकट बताया था हमें बड़े काम आया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी? क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। अब ये जितने भी आपको क्वेश्चन में बताने लगे ये सारे आपके पास पेपर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं।
8% जो टैक्स लगा है एक आइटम की सेल अमाउंट पे, 8% टैक्स ऑन सेल अमाउंट ऑफ एन आइटम इज 96 पैसा। एक आइटम है उस पे जो 8% टैक्स लगा है ना, वो कितना था? 96 पैसा था। कहता है कि व्हाट इज द फाइनल प्राइस ऑफ द आइटम, आइटम की फाइनल प्राइस क्या होगी टैक्स इंक्लूड करके। सबसे पहले मैं उसकी यहाँ से उसके ना मैं प्राइस में निकाल लेता हूँ, आइटम की प्राइस क्या आएगी, क्योंकि इस आइटम पे 8% जब टैक्स लग रहा है तब वो 96 रुपये 96 पैसे का है। यहाँ से प्राइस कितनी आएगी, एक्स इंटू 8 इज इक्वल टू 96 इंटू 100, तो ये 9600 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 9600 डिवाइडेड 8, एक्स इज इक्वल टू 1200। ये मैं डायरेक्ट 1200 में लिख दिया, आप इसको काइंडली अब इसको चेक करेंगे 1200 कैसे आया था। ठीक है, अच्छा ये 1200 अब क्या है, देखिए 1200 आए हैं पैसा, क्यों 96 पैसा था। 1200 पैसा का मतलब है 12 रुपीज, क्योंकि 1 रुपी में 100 पैसा होते हैं, 1200 पैसा मतलब 12 रुपीज। ये उसकी फाइनल प्राइस है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे फाइनल प्राइस बताओ टैक्स इंक्लूड करके, तो 12 रुपीज प्लस 96 पैसा यानी कि 12.96 रुपये होगा। ठीक है, 12.96 रुपये उसकी फाइनल उसकी प्राइस बनेगी। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन नंबर आप लोग 19, 20 और 21 ये आप लोग खुद करेंगे। ये आप लोग के प्रॉफिट पर्सन का और लॉस पर्सन का क्वेश्चन है, जिसके अंदर लार्ज माइनस स्मॉल डिवाइडेड स्मॉल या लार्ज माइनस स्मॉल डिवाइडेड लार्ज इनटू 100 ये आप लोगों का आएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 22 भी आप लोग खुद करेंगे, ना हुआ मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 भी आप लोगों का लॉजिकल है, क्वेश्चन नंबर 23 मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। देखिए मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को छुड़वाता हूँ, मैं इसलिए छुड़वाता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे, अगर अगर आप लोगों से ना हो आप लोग कहीं मुझे बता दिया करें, मैं इंशाल्लाह आपको करवा दिया करूंगा। ठीक है जी, हम लोग गाइड का क्वेश्चन देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं अ मैन्युफैक्चरर अलाउज 15% कमीशन ऑन गुड्स एट अ सेल ऑफ RS 15,000। जब 15,000 की जब सेल होती है तो एक मैन्युफैक्चरर है वो 15% कमीशन अलाउ करता है, यानी कि 15% कमीशन दिया जा सकता है, एंड गिव्स 20% एडिशनल कमीशन, और फिर 20% वो एडिशनल कमीशन भी देता है किस पे, ऑन सेल ऑफ RS 15,000 बियॉन्ड द सेल ऑफ 15,000, यानी कि 15,000 से ऊपर अगर कोई सेल हो उस पे वो 20% और भी एडिशन जो ये कमीशन है वो देता है। यानी सोल्ड गुड्स वर्थ RS 26,500, अगर कोई एजेंट 26,500 की सेल करे तो उसको कितना कमीशन मिलेगा। सबसे पहले आपको ये पता चाहिए कि वो ये कह रहे हैं कि 15,000 पे वो 15% टैक्स देते हैं, कमीशन देते हैं। 15,000 से जितनी वैल्यू ऊपर होगी उस पर वो 20% एडिशनल कमीशन देगा। तो सबसे पहले मुझे 26,500 पे, मैंने ये नहीं करना कि 15% और 20% में ऐड करके 35% टोटल पे ले लूं, गलत हो जाएगा। देखें टोटल उसके पास अमाउंट 26,500 है, 26,500 में से आपको 15,000 आपको माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि 15,000 पे आपने 15% आपने देना है। देखिए तो ये इसमें से आके 11,500, ये जो 15,000 है इन पे आपको देना पड़ेगा 15%, ये जो 11,500 है 15,000 से ऊपर वैल्यू बढ़ गई है इससे आपको देना पड़ेगा 20%। ठीक है जी, तो 15,000 पे मैं 15% चेक करता हूँ कितना बनता है, 15,000 पे 15%, 2 0 2 0 सब कैंसिल, 15 150 को 15 से आप ज़रब करें, 5 0 5 5 25, 2 5 0 5 2 7, 1 5 1 5, ये आप लोगों का जी आंसर आ गया 2,250। इस पे जो जो कमीशन आपका बनेगा वो बनेगा 2,250। इसी तरह अब आप इस पे आप कमीशन चेक कर लें 11,500 पे 20% के हिसाब से, 2 0 2 0 का कैंसिल कर दें, 20 को 115 से ज़रब कर दें, 115 ज़रब 20, 0 0 0, 10 1 3 2, इस पे कितना कमीशन बना 2,300 रुपये।
2250 इस पे बना था और 2300 रुपये इस पे बना है, ये टोटल कमीशन कितना हो गया जी? 4550, 4550 जी, आप लोगों की ऑप्शन आएगी सी। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को ये वाला जो परसेंटेज प्रॉफिट वाला परसेंटेज का जो टॉपिक है ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखो इसके रेलेवेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको छुड़वाए हैं वो क्वेश्चन आप लोग खुद अपने तौर पे सॉल्व करेंगे। अगर इन क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग गाइड में से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो परसेंटेज का जो टॉपिक है ये पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में कम से कम आपके एक दो या तीन आपके क्वेश्चन लाजमी परसेंटेज के अंदर से आते हैं, वो परसेंटेज भी हो सकते हैं और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज भी हो सकता है। ठीक है, तो काइंडली अब जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को छुड़वाए हैं वो आप लोग अपने तौर पर सॉल्व कीजिएगा। कल इंशाल्लाह ताला अजीज आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा रेशियो प्रॉब्लम्स का। रेशियो भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इसको रेशियो का अलग डील करेंगे, प्रोपोर्शन को हम लोग अलग से डील करेंगे। ठीक है जी, तो कल तक इंशाल्लाह ताला आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। कल इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी 9 बजे या 9:15 बजे इंशाल्लाह। तब तक आप अपने ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज को कम्प्लीटली आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज को। ठीक है जी, अब इंशाल्लाह रजीद आप तकरीबन थोड़ी देर 5-10 मिनट तक आप लोगों का एनालिटिकल का आज एक नया टॉपिक स्टार्ट लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर। इंशाल्लाह आप लोगों से 10 मिनट का मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।